तो हमारी जिंदगी में रोज ना चैलेंज कभी किसी तरीके से आता है, कभी किसी तरीके से आता है, लेकिन इस बार जो हम लोग ऑफ रोड कर रहे हैं इसमें चैलेंज ही बिल्कुल डिफरेंट आया है। सच बता रहा हूँ, अभी ना इतने जोरों से चक्कर आ रहे हैं कि मन करे मैं लेट जाऊँ, लेकिन उठ के तैयार होके निकलना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस लोकेशन पर अभी हम है यहाँ से एक नॉर्मल रोड पर पहुंचने में कम से कम लगेंगे हमें 8 से 9 घंटे फुल ऑफ रोड के साथ में। वो तो आपने पिछले व्लॉग्स में देख ही लिया होगा कि किस तरीके से हम लोग करके आए, गिरे भी, उछले भी और उठाया भी, खुद को संभाला भी, दूसरों को भी संभाला, मतलब बहुत सारी चीजें की, और वही सारी चीजें आज दोबारा ना हो जाए ये देख के चलाना पड़े। स्टे कर नहीं सकते हैं, लिमिटेड परमिट है, परमिट के अकॉर्डिंग हमें टाइम से बाहर भी निकलना पड़ेगा। देख रहे हो तबीयत आपकी कितनी भी खराब हो, अगर आप ऐसी सिचुएशन में जा रहे हो तो आपको बाहर खुद ही आना पड़ेगा, कोई और नहीं निकाल सकता है। तो अभी जिस हिसाब से चक्कर आ रहे हैं पता नहीं आज कितनी बार गिरने वाला हूँ, कितनी बार समझ नहीं आ रहा। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग इसी एडवेंचर के साथ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज सैम और आप देख रहे हैं राइडिंग विद पीस। देख रहे हो 1499 1500 होने में बस 1 किलोमीटर बाकी है। जैसे हम लोग मनांग विलेज क्रॉस करेंगे उसके बाद अपने हो जाएंगे 1500 किलोमीटर कंप्लीट। तो हमारा कल का प्लान था वापस जाने का, लेकिन एंड मोमेंट पे ना हमारा प्लान चेंज हो गया कि हम लोग ना मनांग विलेज में ही रुकते हैं, और रुके बहुत अच्छा डिसीजन रहा सर, थैंक यू। क्योंकि रुकने के बाद पता लगा भैया ये गांव नहीं है, ये शहर से भी बढ़कर बड़ी चीज़ है, यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ है, साथ में ना बेकरीज़ है एकदम टॉप लेवल वाली, जिसके अंदर कैपेचिनो, मतलब हर एक चीज़ अवेलेबल है जो कभी कभी ना हमारे नियर अबाउट बेकरी में भी नहीं मिलती है, वो सारी चीज़ें अवेलेबल है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या पता लगी, कि यहाँ पे ना रूम्स वगैरह सस्ते, आपको 500 रुपये में भी रूम मिल जाएगा, 1000 रुपये में भी रूम मिल जाएगा 3 लोगों के लिए, लेकिन उसके बाद आपको खाना वहीं से खाना पड़ेगा और खाना है महंगा। मतलब ये मान लो कि दिल्ली के अंदर या तो होटल महंगा तो खाना सस्ता है, यहाँ पे होटल सस्ता है तो खाना महंगा है, वो घूम फिर के बाद वहीं आ गई। तो अगर आप मनांग की राइड प्लान कर रहे हो ना तो किसी चीज़ के लिए घबराने की जरूरत नहीं है, आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, खाने के लिए बढ़िया बढ़िया फूड मिलेगा, थोड़ी थोड़ी दूरी पे आपको स्टे भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, बस आपको बाइक को रिपेयर करने के लिए छोटे मोटे पार्ट्स कैरी करने पड़ेंगे, दैट्स इट। बाकी मनांग विलेज से जब आप एग्जिट करोगे ना, ये देखो कितना खूबसूरत है, मतलब ये आपका ओल्ड ट्रेडिशन है, ओल्ड बना हुआ बोले तो विंटेज बना हुआ गेट है जो बहुत खूबसूरत दिख रहा है। एक गेट आपका ये पड़ता है जो ओल्ड ट्रेडिशन टाइप का है, ये भी बहुत पुराना बना हुआ है, देख सकते हो आप। इसके बाद आपका आगे मेन गेट पड़ता है जो अभी अभी बिल्ड किया गया है, जिस पर लिखा है मनांग, वेलकम टू मनांग। बाकी ना ऐसे छोटे ऐसे पहाड़ों पे ना पीक्स पे देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें बनी हुई है, जिसके लिए ना आपको ट्रैक करना पड़ेगा, इवन वहाँ टॉप में भी कुछ बना हुआ है, उधर टॉप में भी कुछ बना हुआ है, 2-3 चीज़ें बनी हुई है जिसके लिए आपको ट्रैक करना पड़ेगा। मतलब मनांग विलेज घूमना है आपको तो दिन चाहिए आपको। चलो जी, ये है मनांग का मेन गेट, हम लोग यहीं से ऊपर गए थे और वहाँ मनांग ले सामने वहाँ स्टे किया था, तो वहाँ से रुक के यहाँ पर आए, थोड़ा सा कंटेंट क्रिएट किया और वो थोड़ा सा रिकॉर्ड करने में हो गया 1 घंटा। चलो क्या कर सकते, बाकी यहाँ के ना नज़ारे देखो भैया, और कैंपिंग के लिए स्पॉट तो ज़बरदस्त है भैया, कहीं भी कैंपिंग कर लो बिना किसी परेशानी के। चलो जी आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं एडवेंचर, क्योंकि जितना ऑफ रोड झेल के आए उतना ऑफ रोड अभी और करना पड़ेगा हमें वापस। लेकिन अभी पता है 1 घंटा थोड़ा यहाँ वेट करने से ना बॉडी में एनर्जी आ गई है, और जो चक्कर आ रहे थे वो भी ख़त्म हो गए, अच्छा हुआ ये ब्रेक ले लिया, कंटेंट क्रिएट कर लिया, अदरवाइज जब होटल से निकला था बहुत ज़रा हालत ख़राब थी। तो आप लोग देख रहे हो ये है बाइकिंग का जुनून अपने अंदर, कितनी भी तबीयत खराब हो लेकिन बाइकिंग छोड़नी नहीं है, क्योंकि ये जो चलाने का मज़ा है ना ये सिर्फ एक बाइकर ही समझ सकता है भाई, चाहे तबीयत खराब हो, चाहे आपकी तबीयत ठीक हो, चाहे कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम हो, बाइक चलाने का जो मज़ा है ना वो भैया
कहीं नहीं है। है ना मन मोहने वाली जगह। ऐसी जगहों पे पता है आना भी मुश्किल होता है और जाना भी मुश्किल होता है। सामने की तरफ आपको स्नो पीक माउंटेन दिख रहा होगा ना, वो है अन्नपूर्णा पीक। और अभी एक भैया आए थे, वो बता रहे थे यहाँ पे कि इसके अभी ट्रैक नहीं हुआ है। कुछ लोगों ने अटेम्प्ट करने की कोशिश तो की थी लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहा है, क्योंकि दिखने में जितना आसान होता है ना, रियल लाइफ में करना भी उतना ही मुश्किल होता है। चलो जी, वहाँ से यहाँ तक लाने में मुश्किल हो गई और सांसें तो ऐसे फूल रही है हमारी, क्या बताओ। तो ये किस लिए है? तो ए सब के लिए, ओके, क्योंकि ए गुड हेल्थ, गुड एनवायरनमेंट, गुड एनवायरनमेंट, या नो के क्या बोलना चाहिए इसके लिए, ये सब के लिए, शांति के लिए, शांति के लिए, पीस, शांति, पीस के लिए। साहब का नाम भी राइडिंग पीस है, पीस बांटता है, शांति बांटता है। ए है 3 दिन के, 3 दिन तक कति जना नाम थे, मे बी 42 मंथ्स है ना, ओके, स्टडी करके पूरी एंड करो ना। साल में एक बार होता है, साल में एक बार होता है, इधर भी नहीं। वाओ, वी आर लकी ना। अकि हमारा फूड रेडी हो गया है, आज हम लोग खाएंगे फ्राइड राइस। ओके, बाय द वे एक चीज और बोल दूं, आपने से पहले वाले ब्लॉग जो देखेंगे उसमें हमने नॉनवेज खाया था, वो था नवरात्रों से पहले का ब्लॉग। मैं अभी रिसेंटली नेटवर्क जोन में आया तो मैंने कॉमेंट पढ़े तो वो नवरात्रों से पहले का, लेकिन अभी खा रहे हैं वेज और दाल। चलो जी, हम लोगों ने खाना पीना खा लिया, अब निकलने के लिए तैयार हो गए। फिर एक बार देख लो, नंबर नोट कर लो आप यहाँ से, अगर आप आ रहे हो तो चामे विलेज से पहले ये एक और विलेज पड़ता है। यहाँ पे पता है गांव का नाम लिखा हुआ है, चामे 1, चामे 2, चामे 3, चामे 4, तो ये चामे 3 है, चामे 3 कोटो। तो इसमें दीदी का होटल है, यहाँ के रुकना बहुत अच्छी खातिरदारी होगी, दीदी बहुत हम्बल है, डिस्काउंट भी मिलेगा। हम लोगों ने यहीं का प्लान किया था कि लंच हम लोग यहीं आके करेंगे। चलो अब चलते हैं यहाँ से और दोबारा से अपना एडवेंचर शुरू करते हैं। बाय। बहुत अच्छे लोग हैं भैया यहाँ के, आप आना, काफ़ी अच्छी खातिरदारी होती है। ये रहा, ऊपर एक सस्पेंशन ब्रिज भी है। वाओ, लो जी पहुँच गए हम लोग धारा पानी। तो धारा पानी में चेक पोस्ट पड़ती है, ये मेन चेक पोस्ट है जहाँ पे आपकी प्रॉपर एंट्री होती है, ठीक है। बाकी यहाँ से मिली है ये इन्फॉर्मेशन, दी अन्नपूर्णा वेज, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, इसके पीछे है पूरा मैप। तो ये परमिट आपको संभाल के रखना है, एक जगह आपसे ये परमिट ले लिया जाएगा आधा फाड़ के, बाकी हर जगह इसी को देख के आपकी एंट्री होगी, ठीक है। तो ये संभाल के रख लेते हैं, फ्यूचर के काम आएगा ये वाला मैप। लो जी आ गया खूबसूरत वाला वाटरफॉल। वाओ यार, बहुत खूबसूरत है ऊपर से लेकर नीचे तक, ये देखो। तो लो जी देख लो, ओडोमीटर 1500, तो अभी आप ओडोमीटर देख रहे हो 1588 किलोमीटर। जब सुबह चले थे तो 4099 थे, लेकिन वो थे मनांग विलेज में। उसके आगे पाजी खांगसर विलेज कितना होगा मनांग से? मनांग से 30-40 मिनट्स में, मतलब 5 किलोमीटर और 5-7 किलोमीटर। टोटल हो गया 93 किलोमीटर। तो जब आप निकलोगे बेस्सी शहर से तो भैया ये दो कट पड़ेंगे, एक जा रहा है ऊपर की तरफ गाँव में और एक तरफ जा रहा है नीचे टनल के अंदर। अगर आपने व्लॉग देखा होगा तो अगर आप टनल की तरफ जा रहे हो तो आगे से ध्यान रखना, एक लेफ्ट कट आएगा, आपको नीचे की तरफ उतरना है तो आप मनांग वाले रास्ते पे पहुंच जाओगे। अदरवाइज अगर आप ऊपर चढ़े जाते हो तो हमारी तरह भटक जाओगे। बाकी ये वाला रास्ता आपको सीधा सीधा वहां लेके चला जाएगा। तो टोटल है 93 किलोमीटर ऑफ रोड है, ध्यान रखना। बाकी तो यहाँ से बेसी शहर अभी लगभग पड़ा होगा 5-7 किलोमीटर,
अब तो अच्छा रोड आ गया भाई, अब तो जल्दी पहुंच जाएंगे। तो हमारा ऑफ रोड ट्रेल कंप्लीट हुआ, चक दे फटे। बंद हो रही है, बैटरी डाउन हो जाएगी। तो पाजी की भूसा में फ्यूल ख़त्म हो चुका है, मुझे अभी 46 किलोमीटर का दिखा रहा है इसमें रेंज, उसके बाद भी इसके अंदर एक्स्ट्रा फ्यूल होता है, तो एक लीटर के आसपास निकाल लेते हैं और भूसा में डाल देंगे, फिर हम लोग सीधा पहुंच जाएंगे बेसी से, वहाँ तो पेट्रोल पंप है ही। चलो शुरू करते हैं निकालना पेट्रोल। अब पलटते इसके अंदर। लो जी, 2 लीटर पिला दिया भूसा को, अब स्टार्ट हो जाएगी, उम्मीद पूरी है। ये होगी स्टार्ट। घूमना है कोई, वाव। अरे ऊपर जाना है, वाव। आए सर। अरे वाह, वाइन क्या बात है, लेट होने की आदत अपनी जाएगी नहीं। मतलब वो जो बाइकिंग में पुराने दिन हुआ करते थे ना, जब हमारा दिन शुरू होता था लंच के टाइम पर, वो दिन वापस आ गया है। फिलहाल अभी ट्रिप एंड हो रहा था तो आज लास्ट दिन था, तो निकलने में हमने कर दिया लेट। वैसे प्लान था हमारे पास सुबह कितने बजे निकलने का, 8। अभी बज रहे हैं दोपहर के 4 बज गए भैया जी, 4 बजे हमारा लंच हो रहा है और हमारी बाइक खड़ी है वहां पे। ज्यादा नहीं, 8 घंटा लेट है, 8 घंटा लेट है। अब जब देखते हैं कि कहां पहुंचेंगे, क्या करेंगे। बर्गर स्टेशन एंड क्रिस्पी चिकन, अगर कोई आ रहा है यहाँ तो यहाँ का बर्गर जरूर खाना, खासकर वेज। अभी तो फिलहाल नवरात्रि चल रहे थे, हमने तो वेज बर्गर ही खाया है, चिकन बर्गर का टेस्ट बता नहीं पाएंगे। कमिंग डेज में अगर कभी यहाँ आना हुआ तो ज़रूर बताएंगे, बहुत बढ़िया था। और भैया इतने अच्छे थे, हमारे पास नेपाली करेंसी ख़त्म हो गई थी तो उन्होंने इंडियन करेंसी ले ली। चलो जी शुरू करते हैं यहाँ से अब जर्नी 20 किलोमीटर की, क्योंकि मैंने बीच में कुछ पॉइंट्स डाले हुए हैं। ये शॉर्टकट रास्ता है यहाँ से पोखरा पहुँचने का, नहीं तो आते टाइम का जो रास्ता था ना हमारा, बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक था। तो हम सोच रहे कि वो वाला पार्ट स्किप कर देते हैं, एक नए रूट से चलते हैं यहाँ से पोखरा, ताकि हमें ट्रैवल करने में भी मज़ा आए और नया रास्ता भी दिखे। और अब ऑफ रोड करने का मन नहीं है तो हम उससे बच जाए। ये थोड़ी सी तोंद अंदर हो जाते तुम्हारा भाई सुंदर लगता है ना, है ना, हैंडसम है ना। मजाक करो यार, एक तो ये टैनिंग खत्म नहीं होके देती है। तो कल बेसी शहर से निकल के सीधे पहुंच गए थे हम लोग पोखरा, और पोखरा पहुंचने के बाद पता लगा भैया नेपाल में है न्यू ईयर। और न्यू ईयर की जब हमने यहाँ पहुंचने के बाद रोडों पे झलक देखी ना, हमसे भी रहा नहीं किया, हमने भी फटाफट कपड़े पहने और निकल गए न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए। तो काम करो आप, जब तक वो वाली सारी क्लिपें देखो, मैं नीचे ना सामान सेट कर लेता हूँ बाइक पे। फाइनली एग्जिट कर रहे हैं हम लोग पोखरा से, माउंटेन्स के अंदर। वैसे तो पूरे पहाड़ों के अंदर ही नेपाल बसा हुआ है, लेकिन अब हम लोग घाटी से निकल के सीधा पहाड़ी रास्ते में घुस गए। तो जी पहुंच गए हम लोग सीधा बुटवाल, और रौनक है देखो भैया। वैसे तो पिछली बार भी जब मैं आया था तब भी रात में था, इस बार भी पहुंचे तो रात में पहुंचे, तो रोड पूरा खाली नहीं मिला। बाकी अभी डे टाइम में, मतलब इवनिंग टाइम में हम लोग बॉर्डर क्रॉस करेंगे, तो रौनक है देखो यार, मस्त है भाई, मस्त।
ऊपर से नया साल है यहाँ पे, तो लोग ज़्यादा घूमने निकले हुए हैं। चलो जी, नेपाल के स्वागतम गेट को बाय बाय करते हैं और अब सीधा बॉर्डर क्रॉस करते हैं अपना। हेलो जी, आज गए बॉर्डर पे, एंट्री कराओ। फाइनली अपने देश में एंट्री कर रहे हैं। वाव, मेरा भारत महान, फाइनली वी आर इन इंडिया। और नेटवर्क आया नहीं आया? नेटवर्क आ जाओ यार, सुबह से घर से मैं बात नहीं हुई है, अभी तो नेपाल का सिम ही चल रहा है यहाँ पे। लो जी, एक बार और देख लो सनोली मार्केट। बस अगले 5 किलोमीटर तक की भीड़ है, फिर तो थोड़ा रोड बड़ा हो जाएगा, मार्केट ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अभी थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा। और जो ये 100 किलोमीटर है यहाँ से गोरखपुर तक का जो रोड है, वो मेरे को झेलना पड़ेगा दोबारा से। भैया देखो, अभी पहुँचे हम लोग गोरखपुर, और गोरखपुर पहुँचते का लगी थी बहुत ज़रूरत से भूख, तो हमें कोई भी रेस्टोरेंट मिला रुक गए, लेकिन जिस तरीके का खाना है बड़ी मस्त खुशबू आ रही है, और उम्मीद करो स्वादिष्ट भी होगा। अभी देखते हैं कि क्या करते हैं, होटल रूम लेंगे, क्योंकि लाइट से बाइक चलाना बड़ा मुश्किल पड़ रहा है। फिर उसके बाद थोड़ी थोड़ी नींद भी आ रही है, थकावट भी हो रही है, तो देखते हैं खाना खा के क्या बॉडी बोलती है, उसके बाद डिसाइड करेंगे। तो भैया आज की सुबह जो हो रही है हमारी, हो रही है 11 बजे, और 11 बजे हम लोग निकल रहे हैं गोरखपुर से। यहाँ रुके थे हम लोग होटल सिंह इंटरनेशनल में, यहाँ के जो ऑनर हैं बहुत अच्छे थे, यहाँ के वर्कर्स जितने भी थे वो भी बहुत अच्छे थे, लेकिन यार रूम अच्छा नहीं था, सच बताऊँ आपको। हमें जैसे तैसे करके मिल गया, अदरवाइज़ नहीं मिल रहा था, और हम लोग थक भी बहुत ज़्यादा गए थे, तो उस वजह से अपन रुक ही गए। हमने सोचा यार रात ही तो निकालिए, रात निकाल लेते हैं और चलते हैं, तो सीधा होटल रूम में गए और सो गए, कुछ भी नहीं किया, एडिट भी नहीं किया, क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा हो रही थी। और आज हमें 850 किलोमीटर नापना है सीधा दिल्ली, तो उसके लिए बॉडी भी रिफ़्रेश चाहिए। तो अभी 11 बजे शुरू करें, तो डैट मीन्स कि हम लोग रात के 11 या 12 बजे ही घर पहुँचेंगे। रुको, एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो पुलिस वाले भाई साहब फ़ोटो खींच रहे हैं सबकी, और ये मस्त पोज कर रहे हैं। बाकी जगह देख के तो आपको पता ही लग गया होगा, हम लोग हैं ट्रांसपोर्ट नगर लखनऊ के अंदर, पलक झपकते हम लोग पहुंच गए लखनऊ। मज़ा आ रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, व्लॉग करने का बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ गर्मी। और सेम रूट है यार, हम गए भी उसी से थे और आ भी सेम रूट से रहे, तो क्या ही मैं नया दिखाऊँगा। हाँ, बाइक के परफॉर्मेंस के बारे में तो मैं ज़रूर बता सकता हूँ, आप कमेंट करके पूछो, एक अलग से ना बढ़िया सा व्लॉग बना दूँगा, ज्ञान बांटने वाला, समझ गए ना। तो जिसके जो भी क्वेरीज है इस बाइक को लेके, तो अपना नीचे कमेंट ज़रूर कर देना, जो भी चीज़ पूछनी हो मैं फुल खुल के बताऊँगा भैया, फुल खुल के, समझ गए। अच्छा है तो अच्छा बताऊँगा, बुरा है तो बुरा बताऊँगा। तो जी, लखनऊ के ट्रैफिक से निकल के लखनऊ के एक्सप्रेसवे पे आ गए, अब हो गई हमारी सारी टेंशन ख़त्म, अब तो बस पलक झपकते हम लोग सीधा दिल्ली एंटर कर जाएंगे।